मैं डी एन मणि त्रिपाठी, यू निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया में ई पोर्टल पर आपका स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे, हमें पूरा विश्वास है। आइए, आज कक्षा चार के बच्चों का हिंदी पाठमाला 9 बाणी की चतुराई के बारे में आपको पढ़ाना है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें लिखा गया है। बाणी की चतुराई, बाणी में कितनी चतुराई होनी चाहिए, यह अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें पता चलता है। बीरबल, अकबर के दरबार में बड़े 9 रत्न थे। 9 रत्नों में बीरबल का विशिष्ट स्थान है और बीरबल बड़े ही बुद्धिमान, चतुर और योग्य मंत्री थे। मंत्री तो 9 थे लेकिन बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, जिसमें बीरबल बादशाह अकबर के पास बैठते थे और अपने बुद्धि से, अपनी चतुराई भरी बातों से उनको प्रसन्न करते थे और प्रसन्न करके मुँहमांगा पुरस्कार प्राप्त करते थे। आइए, उसी का एक हिस्सा है। बाणी अर्थात बोली ऐसी योग्यता है जो मनुष्य को मान सम्मान या अपमान का पात्र बनाती है। मान सम्मान मिलता है और उसे अपमान भी मिलता है केवल बोली से। बोली एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसके मिलने से हम अपमानित भी होते हैं और सम्मानित भी होते हैं। दोनों का पात्र हमारी बोली से ही मिलता है, पात्र बनते हैं। बोली का ही महत्व, कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं, कोयल और कौवा एक ही समान, रूप रंग एक जैसा होता है लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। कोयल की बोली सुनते ही लोग उसे अपना लेते हैं और उसके साथ बोलने लगते हैं, बोलने का प्रयास भी करते हैं, बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन कौवा की बोली सुन करके लोग उसे अपने यहाँ से हटा देते हैं, डंडे से मार के भगा देते हैं, हाथ से उड़ा देते हैं कौवे को, इतना अंतर है। कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे सारे सकल शरीर। बोली में बच्चों इतना बड़ा दम होता है, इतना महत्व होता है कि व्यक्ति पात्र बनता है, अपात्र बनता है, सम्मान पाता है और अपमान पाता है। अलग अलग व्यवहार होते हुए भी हम बोली के माध्यम से, जैसी हमारी बोली होती है उसके समान हमको योग्यता प्राप्त होती है, वैसा हमको स्थान प्राप्त होता है। प्रस्तुत पाठ में बीरबल की इसी चतुराई एकांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें बादशाह अकबर, बीरबल और नागरिकों के बीच बीरबल, अकबर ने ऐलान करा दिया कि हमारे राज्य में सबसे खराब वस्तु और सबसे बढ़िया चीज़ जो ला करके हमारे पास प्रस्तुत करेगा, दरबार में प्रस्तुत करेगा, उसको मुँहमांगा पुरस्कार दिया जाएगा और उसे नौलखा हार भी पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल कहते हैं, जी जहाँ पना नेपस से आवाज़ आती है कि अकबर ने ऐलान किया है, और यह ऐलान जैसे समाप्त हुआ, अकबर के पास अच्छी और बुरी चीज़ों के रूप में वह वस्तु आने लगी। यह खून है, यह तरबूज है, यह गधा है, यह तलवार है, यह पगड़ी है, जूते हैं, यह डंडा है, यह पैसा है, यह जीवा है, महल का बगीचा। अकबर और बीरबल टाल रहे हैं, बादशाह जीव कैसे अच्छी और कैसे बुरी हो सकती है, विचार किया जाना चाहिए। महाराज, बीरबल कहते हैं, दुनिया में
ऐसी भी चीज़ है जो सबसे बुरी भी होती है, सबसे अच्छी भी होती है। बीरबल बादशाह कहते हैं कि बात को टालो मत बीरबल। बीरबल कहते हैं दुनिया में जीव सबसे अच्छी और बुरी होती है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? जीव ऐसी होती है, वह चिंतन की मुद्रा में कहते हैं, जब यह दूसरों को गाली देती है, अर्थात जब अपशब्द होता है उसमें जीवा से बुरी भली बातें, बुरी बातें कहते हैं, तो वह चीज़ बुरी होती है, वह बात अच्छी नहीं लगती है। और जब दूसरों के लिए यह बात अच्छी बात जब कही जाती है और यह लाखों लोगों को अच्छी से अच्छी बात उनके सामने रखी जाती है, उनको पसंद होता है, तो वह बात ऐसा होता है कि दूसरे उसके मित्र बन जाते हैं उस व्यक्ति के जो अच्छा बोलता है। बादशाह बीरबल का फिर कहते हैं, इतनी ही नहीं, प्रभु का नाम जप कर हमारा उद्धार करती है। ईश्वर का नाम हम सभी लोग स्मरण करते हैं, जिह्वा से ही, जीव से ही जप करते हैं और हमारा उद्धार होता है। बादशाह कहते हैं, बीरबल तुम कितने बुद्धिमान हो। बीरबल कह रहे हैं कि यह सब आपकी कृपा है शहंशाह। बादशाह कहते हैं, जानते हो रात मैंने सपना देखा, क्या कि तुम और मैं इसी तरह टहल रहे, हम लोग टहल रहे थे, तुम और हम इसी तरह टहल रहे थे, तुम कीचड़ में गिर जाते हो और मैं शहद में। बीरबल कहते हैं कि जापना, मैंने भी यह सपना देखा कि मैं आपके साथ टहल रहा हूँ, टहलते टहलते आप शहद के गड्ढे में गिर जाते हैं और मैं कीचड़ में, उसके बाद मैं आपको चाटने लगता हूँ, आप मुझे। बादशाह ठहाका मारकर हंसते हैं बहुत जोरों से, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अपने गले से रत्न जड़ित हार उतार कर उसके गले में डालते हैं। बीरबल, यह क्या महाराज? बादशाह कहते हैं, तुम्हारी जीव का फल है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, गिर जाते हैं हंसते हंसते। आइए बच्चों, यह पाठ समाप्त हो गया और इसका प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। इसे आप भली भांति लिख करके कॉपी पर याद करके और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। धन्यवाद।